अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं नवापिंड पार्क है जो इन्होंने बनाया डिज्नीलैंड की शेप जैसा, डिज्नीलैंड की तरह इन्होंने बनाया है। अंदर इन्होंने बच्चों के लिए पार्क है, झूले हैं, ये आपको आप देख भी रहे हैं, ये झूले वगैरह बनाए गए हैं, 90 डिग्री मोशन है, सब कुछ ये तकरीबन बच्चों के इंजॉय के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जगह बनाई गई है, उसमें नाम इनके जैसे नवा पिंड है, आगे इनका थोड़ा सा नवा पिंड की तरह एक जगह भी बनाई गई है, उसमें पिंड का सारा माहौल दिखाया गया है, गाँव का विलेज का टाइप बनाया गया है। काफ़ी इंजॉय किया देखने के बाद, मैंने कहा चले दोस्तों को भी शेयर करते चलें, दोस्त भी इसे इंजॉय कर लें। झूला है जो दूसरी साइड पे है, ये भी चल रहा है, इसे भी इंजॉय कर रहे हैं। जगह थोड़ी सी कम है, बाकी सब ठीक है। हाँ, जगह अगर बहुत ज़्यादा होती, काफ़ी खुली थी, विशी जगह होती तो और बात है। ये एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ था, वो भी खड़े थे, इन्होंने मोनो ट्रेन बनाई गई है, ये भी है क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये भी थोड़ी कम जगह पे तैयार बनाई गई है, लेकिन चलें बच्चों के लिए है, इंजॉयमेंट है, ठीक है। और इसमें ये वाटर बोर्ड बनाई गई है, वाटर बोर्ड पे दो आदमी बैठ सकते हैं, मगर एक बड़ा और एक बच्चा। ये आ गई इस साइड पे बच्चों की जगह, ये अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुए हैं फास्ट फूड का, ये आगे बच्चों की गाड़ियों की, जो कम बहुत कम बच्चे उनके लिए ये गाड़ियाँ, बड़ों के लिए दूसरी साइड पे गाड़ियाँ, ये बच्चों के लिए हैं। ये ना ये बच्चे अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देख लें, बहुत स्मूथ चल रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को उस तरह अभी तक चलानी नहीं आती, क्योंकि इसलिए उन्होंने इस तरह की बनाई हैं। ये चार्जिंग पे चल रही हैं, चार्ज के पहले चार्जिंग पे लगी होती हैं, जैसे ही कोई आता है तो चला देते हैं। देखिए ना इतनी स्पीड है, ना कोई डर है, बच्चे सही इंजॉय कर लेते हैं। ये दूसरा आ गया बच्चों के लिए प्लेशर लैंड, ये भी एक झूला टाइप है। ये वो जैसे नीचे से एक रोलर घूम रहा है ब्रेक डांस की तरह, नीचे है वो चल रहा है, ऊपर से वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। ये उस वक्त बंद था जब शुरू में इंटरव्यू थे, अब चल रहा था, मैंने कहा चलिए आपको ये भी इसकी भी वीडियो दिखा दें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका था, मगरब का टाइम हो गया था। ये भी चल रहे हैं, बस ऐसे ही हैं। चलें अब हम जा रहे हैं नवे पिंड की तरफ, उसे ओपन किया इन्होंने तकरीबन मगरब के टाइम करते हैं, तो इसलिए नवे पिंड की तरफ। ये लें, ये अब घड़े आ गए हैं, घड़े पड़े हुए हैं, ये साइकिल आ गया, साइकिल रखे हुए, ये वो पहले जो धागा बनाते थे पुराने दौर में, ये चूल्हा आ गया, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि ये पिंड का माहौल बनाया गया है, पिंड की तरह का इन्होंने सारा सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है। ये नहीं, ये कच्ची दीवार आ गई, दरवाज़ा आ गया, क्योंकि पिंड में ऐसा ही होता है। ये वो आ गई चारा काटने वाली मशीन, ये चार पहियाँ आ गईं, ये कुर्सियाँ आ गईं, ये हमारे दौर से भी पहले की हैं, क्योंकि वही सेटअप उस तरह का बनाया है। ये ऐसी में क्योंकि हमने अपने दौर में ऐसी कभी नहीं देखी जो यहाँ पे इन्होंने सेटअप पूरा रखा हुआ है। ये दीवार के ऊपर इन्होंने डिज़ाइनिंग बनाई की है, ये ट्यूबवेल है, ये तालाब है, क्योंकि यहाँ से ये पानी भर सकते हैं, ये ट्यूबवेल चल रहा है पानी, फसलों को पानी देने के लिए, उसकी डिज़ाइन स्ट्रक्चर है। ये है जी औरत बैठी हुई है, साथ बकरियाँ फिर रही हैं, ये गाय भैंसें जा रही हैं, ये चारा कट हो रहा है,
ये पेंटिंग है, इसके तो पहले भी चुका जा रहा है, इसलिए ये ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है बनी हुई। घर का माहौल होता है जैसे गांव में, वो सेटअप बना के दिखाया गया है। साइकिल पे दो बुजुर्ग आ रहे हैं, इस तरह का सेटअप उन्होंने तैयार किया है, सेटअप अच्छा है। आप भी आए विजिट करें, काफ़ी इंजॉय होगा। चलें ठीक है, शुक्रिया, गुड बाय।